एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर दैट इज 12। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग चार स्टेप फॉलो करेंगे। वो चार स्टेप में से देखो, पहला स्टेप जो है डायग्राम को बनाना है प्रॉपरली। एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ था, ओके, एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके अंदर एक सर्कल है जिसको हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। ओके, नहीं तो वी कैन से जो मतलब जो सर्कल है और उस सर्कल को ट्रायंगल का तीनों साइड टच कर रहा है। ओके, और सर्कल ट्रायंगल का इनसाइड है। अभी जो ओडी का वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन दिया था 4 और दैट इज डीसी एंड डीबी, इसके डीसी 6 एंड डीसी डीबी 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसमें जो देखा जाता है कि डीसी जो है ये टेंजेंट है, डीसी टेंजेंट है, ये टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट होगी और ये दोनों टेंजेंट का लेंथ एक्सटीरियर पॉइंट से क्या होता है, इक्वल होती है। ओके, तो ये वाला 6 है तो ये वाला भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ये वाला 8 है तो ये वाला भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको आता ही है। नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ ए सी एंड लेंथ ऑफ ए बी। ओके, नाउ व्हाट विल डू, ए का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, ये वाला जो है एक्स डिस्टेंस मानेंगे। तो इसका एक्स तो इधर वाला भी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, दैट ए एंड ए दोनों एक्स करके हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अभी यहाँ पे जो देंगे कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो सी एफ इक्वल टू सी डी, बी इक्वल्स टू बी डी और ए एफ इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स जो हम लोग का एक थ्योरम यहाँ पे यूज़ हुआ, ठीक है, तो हमने इसको एक्स, इसको भी एक्स मान लिया था। अभी देखो जो ए सी हो जाएंगे दैट विल बी 6 प्लस एक्स और जो ए बी होगा दैट विल बी 6 प्लस एक्स। ये वाला एक्स, ये वाला 8 प्लस एक्स, ये वाला एक्स, ये वाला 6, दिस विल बी 6 प्लस एक्स, दिस विल बी 8 प्लस एक्स। ओके, और एक बात होता है जो रेडियस है इस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट दैट विल बी 90 डिग्री, अनदर कॉन्सेप्ट। तो नाउ दिस इज स्टेप 1, जो प्रॉपर डायग्राम बनाना है, सारी चीज़ लिखना है कौन किसके बराबर है। ठीक है, स्टेप 2 में जाके हम लोग को यहाँ पे देखोगे 3 ट्रायंगल मिल जा रहा है। एक हो गया ए ओ बी, फिर बी ओ सी और सी ओ ए, और ये सब इसका हाइट है। ओके, तो हाइट होगी। तो अभी देखो, और अनदर थिंग, 3 ट्रायंगल और इस तीनों ट्रायंगल को मिला के ट्रायंगल एबीसी है। एबीसी ट्रायंगल है, तो अभी जो बड़े ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये अंदर के जो 3 ट्रायंगल है 1 2 3, 3 ट्रायंगल है उसके एरिया के सामने बराबर होगा। ठीक है ना, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हम लोग हीरोंस फार्मूला से अप्लाई करेंगे हीरोंस फार्मूला और उसमें से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो स्टेप्स 2 मान लो बिगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया ए बी सी इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम लोग यहाँ पे एस ऑलरेडी फाइंड किए हैं, एस जो है इस जगह फाइंड कर लिया, ए सी इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, ए बी इक्वल टू 8 प्लस एक्स और नीचे वाला जो बेस था बी सी वो कितना था, 14 था। ठीक है, तो सबको ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएंगे, वो कितना आएगा 14 प्लस एक्स। 14 प्लस एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एस में 14 प्लस एक्स, एस 14 प्लस एक्स माइनस ए दैट इज 14, एस बी जो है 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स। जो एक साइड था 8 प्लस एक्स, दूसरा साइड था 6 प्लस एक्स, अनदर साइड था 14। तो फाइंड हो जाने के बाद
14 plus x, 14 plus x minus 14, that will be 14 plus x minus 14, that will be x. ओके और 14 प्लस एक्स सिक्स माइनस एक्स यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी 14 माइनस सिक्स दैट इज एट, यहाँ पे आएगा 14 माइनस एट दैट विल बी सिक्स. तो फोर दैट इज 14 प्लस एक्स, एट इंटू सिक्स इंटू एक्स, तो दैट विल बी 48 एक्स टू 14 प्लस एक्स. ये हो गया बड़े ट्रायंगल का एरिया. अभी हम लोग स्मॉलर तीन ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे. जो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ बी, जो अंदर जो ट्रायंगल बना था बी ओ सी प्लस सी ओ ए, ये तीनों के एरिया के बराबर होगा. ओके ये चीज़ तो क्लियर होना चाहिए. और इधर पे भी ये चीज़ लिखा गया है ठीक. अभी जो ए ओ बी के एरिया हाफ ए बी इंटू डी, ए बी तो ये वाला है, ए बी हाफ ए बी इंटू वही, तो दिस विल बी हाफ सी डी इंटू एफ, हाफ ए बी इंटू ओ डी क्या आएगा. अभी ए बी का वैल्यूज था 8 प्लस एक्स, बी सी का वैल्यूज था 14, ओ डी वही सब एडी, तो ये वाला फिर आ जा रहा है ए बी प्लस ओ डी प्लस दिस वन, एट प्लस एक्स इंटू फोर्टीन, हाफ फोर्टीन इंटू फोर, बी सी के वालू फोर्टीन है, ए सी के वालू सिक्स प्लस एक्स, ए बी फोर है. तो अभी ये जो कट जा रहा है हाफ और ये कैंसिल होगा, टू टू आ जाएंगे, टू एट प्लस एक्स, टू से कट गया, फोर्टीन प्लस टू दैट इज एटीन ट्वेंटी एट, दिस विल बी टू से कट जाएंगे, टू सिक्स प्लस एक्स. ओके तो इट विल बी सिक्सटीन प्लस टू एक्स प्लस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेल्व प्लस टू एक्स. अभी टू एक्स प्लस टू एक्स कितना होता है फोर एक्स, सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी एट प्लस टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी फिफ्टी सिक्स, ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी एट, तो फिफ्टी सिक्स प्लस फोर एक्स. तो इस जगह से हमने 14 कॉमन ले सकता है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. इसी जगह पे कोई की बच्चे का मिस्टेक हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट स्टेप है, इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि 4 कॉमन लेती ये वाला हो जाएंगे 14 प्लस एक्स. अभी दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेट अभी हो जाएगा, बिकॉज पहले हम लोग जानते थे ए बी सी का एरिया क्या है, इसके ए बी सी का जो एरिया है इसके बराबर है. अभी इसका एरिया कितना आया, 4 इंटू फोर्टीन प्लस एक्स, ए बी सी का एरिया कितना आया था जो हिरन्स फार्मूला से 48 14 प्लस एक्स, 48 एक्स इंटू फोर्टीन प्लस, दोनों को बराबर कर देते. जैसे दोनों को बराबर करेंगे तो हम लोग की इक्वेशन आ जाएगी 14 एक्स 14 प्लस एक्स 4 इंटू फोर्टीन, स्क्वायरिंग बोथ साइड. जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे इसका तो रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएंगे. तो अभी इस चीज़ को 14x 14 प्लस एक्स 4 इंटू फोर 16, 14 प्लस एक्स इंटू फोर्टीन प्लस एक्स लिख दिया. अभी क्या हुआ, ये कट गया, फोर्टीन प्लस एक्स प्लस फोर्टीन प्लस एक्स काट गया. ओके थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये वाला फोर्टीन प्लस एक्स, फोर्टीन प्लस एक्स काट दिया, तो बचा कितना 48 एक्स, और यहाँ बचा 16 टू 14 प्लस एक्स. अभी देखो जो 16 है, ये 16 है, 48 काट जाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 एक्स इक्वल टू 14 प्लस एक्स, ये भी हुआ. तो 2 एक्स जो है, जो 3 एक्स जब एक्स चला गया तो कितना होगा, माइनस हो जाएंगे 2x,
इक्वल्स 14 एक्स इक्वल टू 7। ठीक है, अभी देखो ए सी इक्वल्स टू क्या था, जो लेंथ ऑफ ए बी दैट वाज 8 प्लस एक्स, तो 7 प्लस एक्स दैट विल 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ ऑफ ए सी एक्स प्लस सिक्स, तो 7 प्लस सिक्स दैट विल बी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसमें लास्ट में स्टेटमेंट तो लिख ही दिया, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए सी इतना, लेंथ ऑफ ए सी 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए बी इज 15 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, समझ में आ गया तो लिख देना कि आ गया समझ में। ठीक है।